मध्य प्रदेश में 15 सालों बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की। इसमें युवाओं के लिए 100 दिन के रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन आधा अधूरी तैयारियों के साथ लागू की गई ये योजना अब कई लोगों को रास नहीं आ रही। अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट। धानुक बंशकार समाज के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ दिनों पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री कमलनाथ को बैंड बजाकर धन्यवाद दे रहे थे। ये धन्यवाद मुख्यमंत्री की चाहत के लिए, जिसमें वो छिंदवाड़ा में एक इंस्टीट्यूट खोलकर युवाओं को बैंड बाजा बजाना सिखाकर रोजगार देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि देश भर में जो बैंड में भाग लेते हैं, जो बैंड वाले हैं, वो मध्य प्रदेश के हों। बैंड बजाना, गाय चराना जैसे कई हुनर का प्रशिक्षण राज्य सरकार देना चाहती है, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? 25 साल के विकास गोरे बता देंगे। 12वीं के बाद गाड़ी चलाना सीखने के लिए आवेदन दिया, SMS भी आ गया, लेकिन जिस ट्रेनिंग की चाहत थी आगर मालवा में वो मौजूद नहीं, लिहाजा उन्हें सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया गया। मैंने जब ऑनलाइन फॉर्म डाला था तो उसके लिए 3 ट्रेड पूछे थे, तो मैंने ऑफिस असिस्टेंट, ड्राइवर और ऑटोमोबाइल का डाला था। तो फिर ड्राइवर का मैंने सिलेक्शन वहाँ पर ऑनबोर्डिंग में ड्राइवर का करा कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, और फिर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर अभी जैसे कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण देंगे, तो वहाँ संपर्क करना। तो क्या अनुभव हुआ आपको आने के बाद में? फिर अनुभव तो सर ये यहाँ पर जैसे सिलाई और उसका ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें अनुभव मैं क्या कर सकता हूँ उसका अनुभव। कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर के लिए आवेदन करने वाली सीमा मालवीय की तकलीफ भी इससे अलग नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर का डाला तो उसके आधार पर ट्रेनिंग होना चाहिए, यहाँ पे तो ब्यूटिशियन का और सिलाई का होता है। सरकार को जब ये सब सारी चीजें, तो इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होना चाहिए थी। दरअसल सरकार ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योजना तो ताबड़तोड़ शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए शायद जरूरी व्यवस्थाएं करना भूल गई। पशु चलाने वाले हैं, वो तक आ गए तो अब उनको क्या, मैं वो तो लाऊंगी नहीं। सिलाई सेंटर में पशु चलाने वालों को ट्रेनिंग नहीं, तो उनको क्या दूंगी मैं, यही बात है ना सर। अब ये व्यवहारिक कठिनाई है। ये कठिनाई तो अब शासन को थोड़ा सा हमको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा ये करना चाहिए कि भले वो 10-10 की 20-20 की बेच बना दे और हमको ट्रेड दे दे कि आपको ये ट्रेड के अंतर्गत, तो हम उसका सेटअप भी जमाए, उसको हम करें भी सही। योजना के तहत 2 लाख रुपए से कम आय वाले 21 से 30 साल के उम्र के युवाओं को 90 दिनों के लिए कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 98,701 सीटें हैं, जिसमें सिलाई और ब्यूटिशियन की ही अकेले लगभग 32,000 सीटें हैं, हार्डवेयर की 21,300, डेटा एंट्री की 17,672। योजना में एक साल में 100 दिनों के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड पर नगरीय निकाय में अस्थायी रोजगार दिया जाएगा, जहां काम में 33% और प्रशिक्षण में 70% न्यूनतम उपस्थिति होनी ही चाहिए। ऐसे में नगरीय इकाई तो काम दे रही है, लेकिन प्रशिक्षण का हाल आपने देख लिया, काम ड्राइवर का तो प्रशिक्षण सिलाई कढ़ाई। कुछ जिलों के अंदर ऐसी बातें सामने आई हैं कि ट्रेनिंग सेंटर का अभाव है, लेकिन हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको सारे ट्रेनिंग सेंटर परिपूर्ण, जितने रोजगार के साधन हैं सब मिलेंगे। कमलनाथ जी की सरकारों ने जो भद्दा मजाक शिक्षित बेरोजगारों के साथ किया है, क्या शिक्षित बेरोजगार ढोर चराने जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ रसम अदायगी का काम कर रही है कमलनाथ सरकार। इस योजना में मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होने की शर्त भी शामिल है। मकसद था 2 साल में 53% बड़ी बेरोजगारी को रोकना, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर दिख रही है। रोजगार को जब पकौड़े से जोड़ा गया तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने कई जगहों पर पकौड़े तलकर प्रदर्शन किया। अब सत्ता मिली है तो उसे बैंड बजाने, पशु चराने में भी रोजगार दिखने लगा है, और तो और कोई ट्रेनिंग ड्राइवर की मांग रहा है तो उसे सिलाई कढ़ाई सेंटर भेजा जा रहा है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और छिंदवाड़ा से सचिन के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।